नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिले में अब कुल केस हो गए हैं 79। कोरोना एक्टिव पॉजिटिव केस अभी भी मौजूद है। लखीमपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। बता दें कि लखीमपुर खीरी में फिर फूटा है कोरोना बम। 4 नए आंकड़ों के साथ संख्या हो गई है 79। और बता दें कि 16 एक्टिव केस अभी भी लखीमपुर में है। लगातार लखीमपुर में बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी ग्रीन जोन में शामिल था, लेकिन प्रवासी मजदूरों के आने के बाद लखीमपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा हमसे जुड़ चुके हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, 4 नए मामले लखीमपुर में सामने आए हैं और आंकड़ा 79 हो गया। जी, जिस तरीके से लखीमपुर के लोगों को थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी, और कि बीते अगर 4-5 दिनों की बात की जाए तो 4-5 दिनों में पॉजिटिव केस आ तो रहे थे, लेकिन वो संख्या एक थी तो लोगों को राहत मिल रही थी क्योंकि यहाँ पर ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से देर रात जो एक रिपोर्ट आई है उसमें 4 नए पॉजिटिव जो उसमें केस आए, उसके बाद एक जिले के लोगों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन अनलॉकडाउन में बदला है और लोगों को तमाम तरीके की सहूलतें दी जा रही है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में एक साथ 4 पॉजिटिव केस आने के बाद लोगों में थोड़ा डर की बात है। इसके अलावा अगर लखीमपुर की बात की जाए तो लखीमपुर शुरुआत में 1 और उसके बाद फिर 3, इस तरीके से 4 पॉजिटिव केस आने के बाद ये जिला ऑरेंज जोन में आ गया था, लेकिन जब ये 4 मरीज ठीक हो गए तो इसको ग्रीन जोन में कर दिया गया था। और लेकिन जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को वापसी लखीमपुर में शुरू हुई है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव केस मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो बताना चाहेंगे। जो 4 नए मरीज मिले हैं, क्या ये भी प्रवासी मजदूर हैं? जी, ये 4 जो जिनकी रिपोर्ट आई है 4 मरीजों की, ये 4 प्रवासी मजदूर हैं। अगर इसमें 3 मजदूर जो है वो दिल्ली से आए हैं, 1 मजदूर जो है वो नोएडा से आया है, और ये 4 एक ही गांव के रहने वाले हैं। मैगलगंज जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहां पर औरंगाबाद एक कस्बा है, एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। तीनों प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में चूंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। आमिर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर खीरी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रशासन की भी अब जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है क्योंकि अनलॉक 1.0 शुरू हो गया, उसका दूसरा फेज भी शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सतर्क रहने की जरूरत है। और अब आपको प्रयागराज से बड़ी